श्री राधे राधे। भक्तों, विश्व व्यापक अनंत ब्रह्मांड में सर्वत्र विराजमान परमात्मा जो अत्यंत व्यापक हैं, उनकी पूजा तो करनी मुश्किल होती है, क्योंकि हम तो बहुत सीमित हैं। आत्मा रूप में भी परमात्मा के बराबर तो नहीं हो सकते, और जीव रूप में बहुत छोटे हैं, शरीर भी असमर्थ है। इसलिए बहुत सीमित क्षमता होने के कारण व्यापक ईश्वर की पूजा कौन कर सकता है? तो आवश्यकता होती है हम अपने जैसे ही छोटे से एक ठाकुर जी को अर्थात ईश्वर को अपने हाथ में लेकर उनकी सेवा करें। ऐसे समझिए, संपूर्ण गंगा को हम अपने घर में अपने पूजा गृह में नहीं रख सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी लुटिया में, एक तांबे के पात्र में गंगा जल ले आते हैं और उनको गंगा मैया कह के पूजते हैं। और भक्तों, बहुत प्रमाण इसके हैं कि गंगा मैया अपनी भक्ति देख करके भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए उसके छोटे से पात्र में कृपा कर देती हैं, दर्शन देती हैं, जल की तरंगे देखती हैं, बाढ़ भी आती है और अनेकों भक्त देख चुके हैं कि गंगा मैया का प्रत्यक्ष उसमें अनुभव होता है। इसी तरह से हमारे विश्व व्यापक परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करने के लिए एक छोटे से विग्रह के रूप में आकर के अहम भक्त पराधीनों वाली बात सत्य करते हैं। हम जब उनको जगाते हैं तो जगते हैं, जब सुलाते हैं तो सो जाते हैं, जब खिलाते हैं तब खाते हैं। वो इतने प्यार के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं कि हम प्रेम उनके साथ करें तो हमसे प्रेम करने लग जाते हैं। हम उनको अपना माने तो वो हमको अपना मान करके हमसे भी आगे चल पड़ते हैं कृपा करने के लिए। और ऐसे ठाकुर परम कृपालु यदि किसी महापुरुष के हाथ से प्राप्त हों, अर्थात किसी विशेष भागवत भक्त, किसी विशेष प्रेमी भागवत भक्त के हाथों से प्राप्त हों, ऐसे ठाकुर जिनकी हमें पूजा करनी है, सेवा करनी है, तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सौभाग्य का दिवस होता है। और ये कृपा जिस साधक के ऊपर किसी विशेष भागवत प्रेमी संत भक्त के द्वारा हो जाए, समझिए उसका भाग्य खुल जाता है। भगवान के प्रेम में डूबे हुए, हरिनाम संकीर्तन के मतवाले ऐसे प्रेमी भक्त जब अपने हाथ से किसी को ठाकुर जी देते हैं तो समझ लो उसका कल्याण होना अब निश्चित हो गया। अब भगवान के धाम जाने की तैयारी कर लिया उसने, कृपा हो गई। और महाराज, अब यही लीला हो रही थी रुक्मिणी बाई माता के द्वारा, ठाकुर जी कर रहे थे लीला। हरिनाम संकीर्तन के मध्य इतनी भाव विभोर होती थी माता कि उसे लगता था कि मैं सबको कन्हैया को प्रदान कर दूं, क्योंकि कन्हैया का रसास्वादन वो करती थी, उनके प्रेम का आस्वादन करती थी। कल आप श्रवण कर रहे थे कि एक छोटी सी कन्या को बड़ा प्यार दिया था, श्यामा नाम की कन्या को, जो
परीक्षा समय में भी स्कूल नहीं गई तो राधा रानी उसका रूप धारण करके परीक्षा देने चले गई, और सिलाई का पेपर था तो अपने हाथ से फ्रॉक सिल करके जमा कर दिया, जबकि वो श्यामा स्कूल नहीं गई थी। उसके कान का कुंडल, उसका कान खींच करके जैसे चीर हरण करें, ऐसे कृष्ण उसके कान का एक कुंडल लेकर के हंसते हुए चले गए। इतनी कृपा हो गई थी रुक्मिणी बाई के माध्यम से। ऐसे ही कृपा से भरा हुआ हृदय रुक्मिणी बाई का हो गया था कि माता रुक्मिणी बाई सोचती थी सबको कृष्ण प्राप्त हूँ, सबको कृष्ण प्राप्त हूँ। इसलिए हरिनाम संकीर्तन के आनंद में डूबी हुई वो प्रेम विभोर होकर के यही कार्य शुरू कर दी। श्री कृष्ण भावाविष्ट जीवन की उनकी झलकें तो बहुत बार देखने को मिली, और अब उसी भावाविष्ट दशा में रुक्मिणी बाई माता अपने संपर्क में आने वाली बहनों को, अर्थात अपने शिष्यों कह लीजिए या सखियों कह लीजिए, उनको ठाकुर सेवा प्रदान करने लगी। अपने हाथ से ठाकुर भेंट करती थी, इनकी सेवा करो जीवन सफल कर लो। ठाकुर सेवा पाने का सर्वप्रथम सौभाग्य कलकत्ता की विद्याबाई को मिला, और जो रुक्मिणी बाई जिनको भाभी कहती थी, चंदा भी कहती थी, उन्होंने विद्याबाई को पूजा के लिए श्री प्रिया प्रीतम के विग्रह तो पहले दिए थे और पूजा भी करती थी। अब उन्हें विद्याबाई को रुक्मिणी बाई के हाथों से ठाकुर जी के विग्रह प्राप्त हुए, और वे आनंद विभोर होकर के प्रेम विह्वल हो गई कि माता रुक्मिणी बाई ने अपने हाथ से मुझे ठाकुर दिया। बाई द्वारा जो श्री विग्रह दिए जाते थे उसको भेजने की प्रणाली हमेशा एक जैसी नहीं होती थी, कभी अपने हाथ से देती थी, कभी दिलवाती थी, फिर हाथ में लेकर दे देती थी, कृपा करती थी। प्राय स्वर्गाश्रम के गीता भवन में रहने के बाद रुक्मिणी बाई वृंदावन आती थी, और जैसी प्रेरणा बांके बिहारी देते थे उसके अनुसार वे बहनों को श्री राधा कृष्ण के युगल विग्रह साज श्रृंगार सहित प्रदान करती थी। अनेक बार वे बिना किसी पूर्व सूचना के ही दूर में कोई सखी है तो उसको उसके हाथ में किसी के हाथ से भिजवा देती थी, और जिनके यहाँ स्वयं कभी मौका लगता था पहुँचने का तो अपने हाथ से देती, नहीं तो किसी सखी के हाथ भेजती थी। और जिनको वो ठाकुर मिलते थे वे चकित हो जाते थे कि आज मेरे ऊपर ऐसी कृपा कि संत माता रुक्मिणी बाई ने मुझे ठाकुर जी दिए। और ऐसी ही कुछ गाथा विद्याबाई जो थी उनके साथ भी थी। उन्हें तनिक भी सूचना नहीं थी कि उनके पास रुक्मिणी बाई माता के द्वारा भिजवाए गए ठाकुर आने वाले हैं। ज्यों ही ठाकुर आए उन्होंने उनका अपूर्व उत्साह के स्वागत किया, और उनका विश्वास यही था कि मुझ पर युगल द्वय की कृपा हो गई है। भक्तों, युगल सरकार का श्री विग्रह तो पहले से ही घर में विराजमान था, अब भेजे गए युगल और पहुंच गए, तो बाई ने स्वयं ठाकुर भेजे हैं रुक्मिणी बाई माता ने। ये देख करके विद्या बाई सदैव अपने सौभाग्य की सराहना करती रहती थी। इसके बाद बाई ने न जाने कितनी बहनों को ठाकुर जी प्रदान किए। जिन जिन बहनों को ठाकुर सेवा मिली उनकी गणना करना कठिन है। रुक्मिणी बाई माता कभी वृंदावन से स्वयं ही सेवा पूजा के लिए श्री विग्रह भेजती, और कभी वृंदावन से आते समय अपने साथ युगल के श्री विग्रह ले आती। ये भी देखा गया
कि अनेक बार मंगवा मंगवा करके बहनों को जुगल सेवा अपने हाथ से प्रदान किया। ये तो सदा ही अनुभव में आया कि जिस बहन को रुक्मिणी बाई माता के द्वारा ठाकुर सेवा मिलती वो अपना परम सौभाग्य समझती और बाई की अयाचित और अपार कृपा पर बलिहार हो जाती। सभी के घर की पारिवारिक परिस्थितियां समान नहीं होती भक्तों। जिस बहन का पारिवारिक जीवन कुछ उलझन पूर्ण होता तो वे कभी कभी बहुत झिझकती और कहती कि गृहस्थ के जंजाल के कारण मेरे द्वारा ठाकुर सेवा नहीं हो पाएगी। ये चिंतन एक बार उनके अंतर को झकझोर देता, परंतु बाई की अनुकूल दृष्टि होने से उस पर भगवत अनुग्रह ऐसा बरसता कि उसकी सारी झिझक दूर हो जाती है और ठाकुर सेवा पाकर वो अपने को निहाल मानने लगती है। भक्तों, बाई श्री धाम वृंदावन से एक बार युगल सरकार के श्री विग्रह लाई थी। बाई एक दिन सत्संग में बैठी थी रुक्मिणी बाई माता, और रुक्मिणी बाई ने पाना बाई किशोरपुरिया से कहा, ये ठाकुर तो आपके घर जाना चाहते हैं। पाना बाई ने कहा, बाई मुझे तो ठाकुर सेवा का समय नहीं मिल पाएगा, घर में ठाकुर सेवा विराजित कर लेने के बाद मैं यहाँ श्री बिहारी जी की सेवा कीर्तन सत्संग में भाग नहीं ले पाऊंगी। यहाँ के सत्संग सेवा पूजा छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आनंद मिलता है मुझे घर में कहाँ से मिल जाएगा। तो भाई ने कहा, ठाकुर तुम ले लो, जो मैं दे रही हूं ये ठाकुर को स्वीकार करो, ले लो, और सेवा तुम भले न कर पाओ तो तुम्हारी देवरानी कर लेगी, लेकिन अभी तुम ग्रहण करो, मैं दे रही हूं, इस सौभाग्य को स्वीकार करो। पाना भाई ने कहा, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकूंगी, आप उसी से पूछ लीजिए, देवरानी से मेरी। तो बाई ने कहा, पाना भाई ठाकुर कह रहे हैं कि मैं इसके घर जाऊंगा, वे तो आपके घर जाएंगे ही, मैं तुम्हारी देवरानी शांति बाई जो जिसको छुटकी कही कहती हूँ, मैं उससे बात कर लूंगी, तू चिंता मत कर। भक्तों, रुक्मिणी बाई माता के कथन को शिरोधार्य करके पाना बाई युगल विग्रह को अपने घर ले गई और उनकी सेवा पूजा, उनकी जो देवरानी थी छोटकी कही जाती थी, वो बड़ी बहुत प्रेम से करने लगी। और देवरानी जो थी, शांति बाई नाम था, छोटकी बोलते थे उनको, संतान के नाम पर एकमात्र लड़का था। एक दिन भावाविष्ट स्थिति में बाई ने शांति बाई से कहा, तुम मुझे अपना बेटा मान लो। भक्तों, शांति बाई ने कहा, बाई मैं तो आपको बहन मानूंगी। बाई ने कहा, तुम मुझे बेटा मानकर निहाल हो जाओगी, फिर तुम्हें जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो शांति बाई ने बाई को बेटा मानना स्वीकार नहीं किया और बाई से कहा, बाई आप मेरे उसी पुत्र किशन की रक्षा कीजिए, मैं क्या करूं, मेरी ममता उसी में है। तो बाई ने किशन की मंगल कामना के लिए शांति बाई से पूजा करवाई और उनसे कहा, किशन को प्रतिवर्ष राखी के अवसर पर मेरे पास राखी बांधवाने के लिए भेज दिया करना, वो मेरा भाई है, वो भी श्री बरसाने वाली से राखी बंधवा करके ही दूसरे से राखी बंधवाएगा, ये ध्यान रखना। महाराज, कितना अद्भुत भाव था इनका कि बरसाने वाली से अर्थात तो राधा रानी से राखी बंधवाएगा, ये ध्यान रखना।
राधा रानी से भाई बहन का संबंध हो गया इस प्रकार रुक्मिणी बाई माता की कृपा से। भक्तों, शांति बाई जो देवरानी थी ना, वो उसका बेटा जिसके लिए रुक्मिणी बाई माता ने कहा था, वो किशन कुसंग में पढ़ करके कुछ कुप्रवृत्तियों का शिकार हो गया। शांति बाई को बहुत अशांति होने लगी। उससे बाई ने कहा, तुम प्रत्येक वर्ष हरियाली तीज के दिन बरसाने वाली को साड़ी चुनरी लहंगा अंगिया चूड़ी फीता काजल सिंदूर आदि चढ़ाया करो। उसको तिहल बोलते हैं भक्तों वहाँ के लोग। बाई ने पहले ही शांति बाई से कहा था कि तुम मुझे अपना बेटा मान लो, इससे तुम निहाल हो जाओगी और जीवन निरापद हो जाएगा। बाई का यह प्रस्ताव शांति बाई ने सर्वथा स्वीकार कर दिया था और इसका फल स्पष्ट दिखलाई दे रहा था कि उसका जीवन पुत्र की ओर से सदैव शांत रहा। इसी प्रसंग का एक पक्ष दूसरा भी है, वो भी ध्यान देने योग्य। भक्तों, बाई का आदेश मान करके वो ठाकुर की सेवा पूजा करने लगी तथा बरसाने वाले अर्थात राधा रानी को प्रतिवर्ष तिहल चढ़ाने लगी। तिहल अर्थात जो उनके श्रृंगार का सामान जो मैं पहले बताया आपको, काजल सिंदूर चूड़ी लहंगा चुनरी ये सब प्रतिवर्ष चढ़ाने लगी। और इसका भी सहज परिणाम ये देखा गया कि उसके पुत्र का अनेक बार भयंकर दुर्घटनाओं से बचाव हुआ और उस शांति बाई को विपत्ति की घाटियों को सहज ही पार करके चैन की सांस लेने का अवसर मिल जाता था। ये सब रुक्मिणी बाई को पहले से पता था कि इसके बेटे के साथ ऐसा ऐसा होना है, इसीलिए वो कह रही थी कि मुझको बेटा मानो। अब राधा रानी के माध्यम से उसकी सुरक्षा इस प्रकार से हुई। बाई भागलपुर की एक बहन सुशीला बाई को मैया कहा करती थी। मैया कह करके पुकारने के पीछे भी एक बात है भक्तों। एक बार हॉल में सत्संग हो रहा था, लगभग 50-60 स्त्रियां बैठी बैठी सत्संग सुन रही थी। उसी समय रुक्मिणी बाई श्री कृष्ण भाव से आविष्ट होकर सुशीला बाई के पास पहुंची और अचानक मैया 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 कह करके पुकारते पुकारते सुशीला बाई की गोद में लेट गई। भरी सभा के मध्य हो रही इस विस्मयकारिणी चेष्टा को अनुप्रेरित और अनुशासित कर रहा था श्री कृष्ण का भावावेश। सुशीला बाई का भी श्री कृष्ण भावाविष्ट बाई के प्रति वात्सल्य उमड़ आया। अब एक ऐसा भाव संबंध सदा के लिए स्थापित हो गया कि बाई जब भी सुशीला बाई को देखती तो उन्हें मैया ही कहती और उनसे खाने के मक्खन लड्डू मांगने लग जाती थी रुक्मिणी बाई। बाई के व्यक्तित्व की एक बात विशेष रूप से बताना है जो भाव संबंध का अद्भुत बात है भक्तों। वो भाव संबंध के अनुसार जिस संबोधन का प्रयोग करती हैं उसे भी सर्वत्र और सर्वदा दृढ़ता पूर्वक निभाती थी। उस भाव के संबंध के अनुरूप ही उनके सारे आचार विचार व्यवहार होते थे। भक्तों, रुक्मिणी बाई के व्यक्तित्व की एक गुण की गरिमा अद्भुत ये है कि वो ठाकुर जी की सेवा जिसको देती थी उसकी पूरा संभाल करती थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी। रुक्मिणी बाई माता जिसके ऊपर कृपा करके ठाकुर जी देती थी, ये जो कहने लग जाए कि हमारे यहाँ तो जगह कम है, कहाँ मैं इनको विराजमान करूँगी, तो कहती थी तुम जिस कमरे में सोती हो उसी में चौकी लगा कर पधराओ, इनको अलमारी के खाने में इनके लिए आसन बना दो। तो
वो कहती थी रुक्मणी बाई कि मैं इसलिए कहती हूँ कि ये तुम्हारे घर जाने के लिए मचल रहे हैं, इनको मचलते देखकर ही मैंने ऐसा कहा है। महाराज इस प्रकार से कृपा करती थी और वो बोलती थी रुक्मणी बाई कि युगल सरकार तुम्हारे घर जाने के लिए बार बार मुझसे कहते हैं तब मैं तुमको देती हूँ। ऐसे भगवान के अंदर की बातों को रुक्मणी बाई माता समझ लेती थी और भक्तों के ऊपर कृपा करके ठाकुर सेवा प्रदान करती थी। सुशीला बाई भी इसी प्रकार की भाग्यशाली सखी थी और ठाकुर लेकर सुशीला बाई को बहुत प्रसन्नता हुई। पहले तो मना कर रही थी लेकिन अब बहुत प्रसन्न हुई। जिस समय ठाकुर जी गए थे उस समय उनको अपने कमरे में ही पधरा दिया था, उनका मकान छोटा होने से ऐसा करना पड़ा। भविष्य में जब उनका अलग मकान बन गया, वे युगल विग्रह अपने नए मकान में चली गई युगल विग्रह के साथ। उनकी गोद में उस समय कोई संतान नहीं थी, अब वे युगल विग्रह ही उनके जीवन के सर्वस्व थे और बड़े लाड़ प्यार से युगल सरकार की पूजा करने लगी। इस प्रकार से ठाकुर सेवा प्रदान करती थी रुक्मणी बाई माता, जिसको भी प्रदान करती थी वही भक्त हो जाती थी माता। एक बेगूसराय वाली बहन निर्मला बिमला बाई थी, तो बिमला बाई को भी रुक्मणी बाई ने श्री विग्रह दिए और श्री विग्रह पा करके बिमला बाई को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने घर का एक कमरा ठाकुर बाड़ी के रूप में ही बदल दिया, वो कमरा ही मंदिर बन गया और उस मंदिर में युगल सरकार की सेवा पूजा श्रद्धा भक्ति सहित होने लगी। ठाकुर पा करके विमला बाई को ऐसा लगा कि मुझे एक महान निधि मिल गई है। ठाकुर के सुंदर सेवा बंधान का प्रभाव पूरे परिवार पर ऐसा पड़ा कि उनके परिवार की अन्य बेटी बहुएं भी बाई से श्री विग्रह की याचना करने लगी। सब लोग रुक्मणी बाई से ठाकुर जी मांगने लगे और रुक्मणी बाई माता तो परम उदार, बाई ने फिर सभी को चित्रपट रूपी विग्रह दिए। इसी तरह से लखीसराय की रामा बाई को भी सेवा पूजा के लिए रुक्मणी बाई माता ने युगल सरकार का श्री विग्रह प्रदान किया और नाथनगर और देवरिया की भी अनेक बहनों को श्री विग्रह भेंट किया रुक्मणी बाई माता ने। बाई ने न जाने कितनी माताओं बहनों को सेवा पूजा के लिए युगल सरकार के श्री विग्रह और चित्रपट प्रदान किए और जिनको वो प्रदान करती थी ना वही भक्त हो जाता था। बाई द्वारा प्रदत्त श्री विग्रह और चित्रपट की सेवा पूजा के फलस्वरूप अनेक अनेक परिवारों के घरेलू वातावरण में और कौटुंबिक संबंधों में बहुत परिवर्तन आ गया। भक्तों बहुत भाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, भाव जरूरी होता है। हरि नाम संकीर्तन, धर्म ग्रंथों का पाठ, समय समय पर उत्सव ठाकुर जी के लिए और नित्य सेवा पूजा का नियम, साधु संतों का समादर, इन कारणों से वो परिवार जिन परिवारों को उन्होंने दिया था ठाकुर जी की सेवा वे भक्त भी हो गए और आदर की दृष्टि से भी देखे जाने लगे। घर के वातावरण में सात्विकता के परमाणु व्याप्त होने से अनेक प्रकार की पारिवारिक कटुताएं समाप्त हो गईं और पारस्परिक संबंध सौहार्दपूर्ण हो गए। यदि भक्ति किसी के हृदय में आ जाए तो ये हो जाता है, सब कटुता खत्म हो जाती है। और इन परिवर्तनों ने और दैवी भावों की प्रतिष्ठा प्रसार ने रुक्मणी बाई को सहज ही समाज में वंदनीय बना दिया और रुक्मणी बाई माता का उभरता हुआ आध्यात्मिक व्यक्तित्व समाज में गौरव भरी दृष्टि से देखा जाने लगा। सबके मन में रुक्मणी बाई माता के लिए बड़ा आदर, बहुत
उच्च से उच्च भाव उत्पन्न होने लगा और सब रुक्मिणी बाई का सम्मान करते थे, प्रणाम करते थे और बहुत भाव की, प्रेम की दृष्टि से उनको देखते थे। श्री विग्रह के माध्यम से की गई उनकी कृपा जो थी उससे बहुत लोगों ने लाभ प्राप्त किया, भक्ति प्राप्त किया। माता के और चरित्रों को आगे मैं फिर सुनाऊंगा, आज उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।